हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो। हाँ, सलाम अलैकुम वसीम भाई, सब वालेकुम खैरियत सलाम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई? ये बताइए, कब्रों की पूजा करना, मजारों की पूजा करना, पीर बाबा की पूजा करना, क्या ये जायज है? नहीं, ये तो शिर्क है। कहाँ तो शिर क्यों कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं ये तो बताइए। पूजा मेरे भाई वलियों की फोटो के सामने, अगरबत्ती हाँ जला के, दिए जला के, उनके सामने मिठाई रख के, ठीक हाँ है, ये सब हाँ क्या मैटर है? वो उल्टा करना तो शिर्क तो मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? शिर्क कर रहे हैं? चलिए है। हाँ, जो कर रहे हैं वो शिर्क कर रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि बरेली ऐसा कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उसे आप बोल सकते हैं, लेकिन बरेली को तो आप नहीं बोल सकते हैं ना। नहीं, बरेलवी खैर अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलवी जो है वो कभी किसी वली की फोटो को सामने रख के, उसके हाँ सामने दिया जला के, अगरबत्ती जला के, ये सब हाँ काम भाई वो नहीं करता है। वो सीधे जाता है, सीधे मजार पे मत्था टेक के निकल लेता है। नहीं, कोई कोई बरेलवी मजार पे जाके माथा नहीं टेकता है, कब्र को कभी सजदा नहीं करता है। और जो कब्र को सजदा करे, पहले उसका नियत देखा, पहले उसकी नियत देखी जाएगी कि वो सिर्फ कर रहा है कि हराम कर रहा है। सजदा सजदा दो तरह के होते हैं। सजदा तो एक तरफ नहीं होता, सजदा ये हकीकी और ताजिमी। अगर वो सजदा ये ताजमी कर रहा है तो वो हराम कर रहा है। सजदा ये ताजमी हराम है। सजदा ये हकीकी अगर कर रहा है तो वो तो शिर्क कर रहा है। ठीक। कौन ऐसा बरेली है जिससे आपने सुना है कि ये जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जायज कर रहा है? आप हमको देखिए, बताइए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं ना कि इमाम आला हजरत अहमद रजा हाँ खान साहब ने कहा है, ताजीमी सजदा करना भाई ये हराम है, ठीक। हाँ लेकिन ठीक। अपने, अब देखिए, आला हजरत की जो बातें अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कुरान हदीस से साबित है, हम उसको मानते हैं और उसका अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और लोगों को भी दावत देते हैं कि आला हजरत की जो भाई जो ये बातें, भाई ये कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से साबित है। क्योंकि अल्लाह के हाँ नबी ने भी फरमाया कि अगर उम्मत में किसी और का सजदा, अगर भाई वो जायज होता तो मैं औरतों को ये कहता कि अपने शौहर को सजदा करें, तो वो सजदा कौन सा होता? इबादत का तो होता ना भाई, वो ना, तो ताजीम का होता ना। तो अल्लाह के नबी ने वो ताजीम के तो सजदे से पहले ही भाई वो रोक दिया था। तो इसलिए आला ठीक हजरत की ये बात बिल्कुल सही है कि ताजीमी सजदा बिल्कुल मेरे भाई ये दम भाई गलत है, हराम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हजरत की इस बात को मानता हूँ, लेकिन जो बात उनकी मेरे भाई खिलाफ उसको छोड़ देता हूँ। ये तो सिंपल सा एकदम उसूल है, ठीक, कौन सी बात खिलाफ है बताइए वो हमें। इंशाल्लाह कभी और बता देंगे, ठीक। तो नहीं, ये कल बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था ताकि जो आवाम है, आवाम तक हाँ भाई ये बात पहुंच जाए कि आज हम, मतलब भाई, हम इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं बरेलियों के ऊपर। आम तौर पे जो अक्सरियत अभी बरेलियत है, हालांकि वो आला अभी हजरत को ना पढ़ते हैं, ना मेरे भाई कुरान हदीस को पढ़ते हैं, ना उनको अपने, मतलब भाई, जो किताबें उनके बारे में पता है, बस वो देखा देखी क्या करते हैं। उन्होंने मजारों को, वलियों को, पीर बाबाओं को अपना रब बना लिया है। जैसे अल्लाह सुबहान व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहता है, और उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है, वैसे आजकल के जो जाहिल लोग हैं, जो छाती पीट के अपने आप को कहते हैं कि हम तो बरेलवी हैं, टनाटन सुन्नी हैं, एक्चुअल में वो आला हजरत की भी बात को नहीं मानते। वो मजारों पे जाते हैं, देखिए, बाकायदा सजदा करते हैं। तो मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ए अल्लाह के बंदो, आला हजरत ने इस बात को रोका है। जो कुरान हदीस की रोशनी से अलग करता है वो ना सुन्नी है ना हदीस है ना मुसलमान ही नहीं है जो कुरान हदीस को ना मानता अल्हम्दुलिल्लाह, है। ये आपने हक बात बोली, और इस चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एकदम भाई, मतलब, बहुत ही मोहब्बत से, एहतराम से आपका एहसान मंद हूँ कि आप जैसे लोग, समझदार लोग, अगर ये बात को आम करें। देखिए, आम तौर पे क्या सोचते हैं ना, आदमी सोचता है हम बरेलवी हैं तो मजार पे जाना हमारे लिए जायज है, तो हम आराम से मजार पे जो चाहे अपना कर सकते हैं। तो आप ये जो उनको मजार बताना पर चाहिए गए, कि आला हजरत ने इससे मना फरमाया है, औरतों का हाँ मजार पे जाना आला हजरत ने एकदम सख्ती से मना किया है। एकदम आजकल मना जो किया। बरेलवी भाई, जो आदमी अपने औरतों बच्चों के साथ जाते हैं, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई आला हजरत के तुम इतने बड़े भाई, मतलब उनके मानने वाले हो, उनके, मतलब भाई, तुम गुलाम हो और उनके दर के कुत्ते हो,
या जो भी हो, आला जद की तालीम तो मानो, जो कुरान हदीस से उनकी बात साबित हो उस पर अमल तो करो। तो इसलिए मैंने आपको फोन किया है कि आप माशाल्लाह एक अच्छे इंसान है, सुलझे हुए इंसान है, आप अगर भाई अगर आप बताएंगे तो ये बात भाई आवाम के पास जाएगी तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे आला हजरत ने कब्रों पे मजारों पे तवाफ करने से सजदा करने से मना किया है, रोका है, तो हम ऐसा ना करें। ये सब तो धंधा पानी चल रहा है, तवाफ करने के लोग पैसे देते हैं। भाई मैंने खुद जाके पता किया है, जो भाई जो ये देवा शरीफ है भाई वो बाराबंकी में, वहाँ पे हर जुमे रात वाले दिन जो दरगाह है वो तो नकली ऊपर बनी हुई है, लेकिन उसके नीचे एक रास्ता है वहाँ पे कच्ची कब्र बनी हुई है, वहाँ पे हर जुमे रात वाले दिन मगरिब के बाद पीला एहराम बांध के कब्रों का भाई मतलब भाई वो काटते हैं, चक्कर काटते हैं, ठीक है, तवाफ। तो अब मैं ये बात इसलिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई ना तो ऐसा अल्लाह ने कहा करने को, ना ही अल्लाह के नबी ने कहा, ना ही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ऐसा करते थे, और ना ही आपके जो मसलक की आला हजरत की इमाम है अहमद रजा खान साहब, उन्होंने भी ऐसा करने से मना किया है। तो अब तो ना करो, और अगर अब भी कर रहे हो तो अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दो, बरेलवी कहना छोड़ दो, सुन्नी कहना छोड़ दो, बस मेरा मकसद इतना ही है। और इसमें आपका हमें साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं या आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हम दोनों लोगों को भाई एक साथ रोके, जो आवाम में जो गुमराही फैलती है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जो काम खिलाफ हो वो खिलाफ हम भी करते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो कुरान जो ये आवाम देखिए, जिसको जिसको कुछ इल्म है ये नहीं, जिसको कुछ जानकारी नहीं है किससे सजदा करते हैं या उसमें इबादत आ जाता है या सजदा आ जाता है, चाहे कुछ भी काम करते हैं उसको पता ही नहीं, उन लोगों को आप दिखा के आप बोलते हैं कि यही बरेलवी का यही अकीदा है, बरेलवी यही बरेलवी ऐसा ही करते हैं, तो ये बात तो आप लोग गलत बोलते हैं ना जी। अच्छा एक चीज बताइए, अब ये चीज जो पता है ना, ये सब चीजें कहाँ से चालू हुई है, ये सब चीजें वहाँ से चालू हुई है जब कोई भी मेरे भाई अरबी बोलने वाला अपने सर पे भाई कपड़ा बांध लेता है और अरबी बोलने लगता है तो लोग कहते हैं ये तो सऊदी का मतलब भाई वो है मतलब वहाबी है। अब सऊदी में लोग भाई मतलब भाई वो नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है, जुआ खेल रहे हैं, तो लोग उसको दिखा के कहते हैं कि ये देखो ये है गैर मुकल्लिद वहाबी। तो भाई अब बताइए, तो ये आप ही लोगों से लोगों ने सीखा है, आपने कुछ लोगों को नाम ले लेके पूरे पहले हदीसों को भाई आपने एकदम रोड पे उतार दिया है, तब जाके आपके लोग जो कर रहे हैं भाई हम उसको आईना दिखा रहे हैं। पूरा जो डांस कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो सऊदी के लोग जना कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, क्या इसका मतलब हम ये बता दें कि पूरा वहाबी ऐसा ही करता है? तो यही सब तो हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये आप नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपके अकाबिर हैं जैसे फारूक खान साहब, ठीक है, जो आज के अल्लामा बनते हैं, ठीक है भाई, वो अपने भाई अपना भाई एक लाते हैं लैपटॉप और उसमें दिखाते हैं सऊदी के वीडियो, ये देखो सऊदी वाले तो डांस कर रहे हैं, तलवार से तलवार खेल रहे हैं, देखो शराब पी रहे हैं, तो वो जब चंद लोगों का वीडियो दिखा के सारी जमात को बदनाम कर देते हैं तो उनके ऊपर आप क्या फतवा लगाएंगे? आप तो वो तो उसके जवाब में वो देता है ना। अच्छा लो मेरे भाई, हमने आज तक कब कहा? और एक चीज बताइए, फारूक खान लैपटॉप बाबा को ये कैसे पता चला कि जो सऊदी के शेख जो पी रहे हैं वो मतलब भाई दारू ही है? क्या वो भाई वहाँ जाके सूंघ क्या है मतलब भाई वो हर काला पानी क्या मेरे भाई उनके नजदीक क्या मेरे भाई क्या वो दारू है? हो सकता है भाई अंगूर का जूस हो या शरबत हो या कोल्ड ड्रिंक हो, जरूरी है भाई वो शराब पी रहे हो? ये वीडियो क्यों नहीं भाई वो दिखाते हैं फारूक खान लैपटॉप बाबा अपने भाई वो लैपटॉप पे कि जब अमेरिका का एक बड़ा सा भाई जो आदमी होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, वो सऊदी जाता है और सऊदी के बादशाहों के साथ भाई वो बात कर रहा होता है और जैसे ही अजान होती है सऊदी के बादशाह उस अमेरिका के बड़े आदमी को छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह अंदर चले जाते हैं नमाज अदा करने। क्यों? क्योंकि अजान हो गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अजान हुई वो उनको छोड़ के चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हैं फारूक खान लैपटॉप बाबा? मतलब जो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वो तो जवाब देता है ना।
आप जब दिखाते हैं आप भी तो यही बात अभी हमको बोले हमारा कि आप लोग मजार में जाते हैं। देखिए ये बात मैं बाद में बोला कि कब मैंने गया, कब मेरे उलमा ने ये कहा है कि मजार पर कभी करना जायज है। उसके बाद आप हमारे आलिम दीन शेख तौसीफुर रहमान हफीजुल्ला, वो भी मेरे भाई जो मतलब जो पाकिस्तान में जो भाई वो बाबे हैं, पेपे हैं, पीर हैं, ठीक है, जट हैं, उनके वहाँ जो कव्वाली होती है, कव्वालियों में मतलब गालियाँ होती हैं, वो सबको बताते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि आला हजरत ने तो इनके फतवा दिया है कि ये करना हराम है, तो क्यों कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं ना कि आला हजरत ने मना किया है, ये कहना उनका क्या साबित करता है कि वो उनको आला हजरत का मानने वाला भाई नहीं मानते हैं। लेकिन आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा क्या कहते हैं, ये देखो सऊदी अरब आले सऊद के लोग जितने गैर मुकल्लिद हैं सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप बताओ मना किया है वो तो पुराना हदीस के रोशनी में ही किया है ना, अपने आप से जो कर दिया है ये तो बात नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे आपको मैं कैसे समझाऊं, देखिए अगर मैं कहूँ आजकल के जो मेरे भाई मानिए कोई तबलीगी जमात वाला है, ठीक, अब वो आपके पास आया, अब वो कह रहा भाई अल्लाह की राह में आप चलिए भाई तीन दिन चलिए, अच्छा तीन दिन ना हो पाए तो भाई 40 दिन चलिए, अच्छा 40 दिन तो भाई 4 ही महीना चलिए, जिंदगी में एक बार 4 महीना तो चलिए चलिए, अब वो आपसे बोल रहा है ना। अब एक तबलीगी जमात अगर वो मेरे भाई मस्जिद में बैठ के भाई वो सिगरेट पी रहा है, अब वो आती है भाई, अब उसकी आदत है भाई सिगरेट पीने की, अब वो जमात में गया, अब जमात में भाई वो लोग कहीं रहते तो है नहीं भाई, वो तो अपने मस्जिदी को मेरे भाई सब सब कुछ होटल पानी भाई वो बना लेते हैं, ठीक, तो जाते हैं मस्जिद में नहाएंगे धोएंगे हगेंगे मूतेंगे कपड़े धोएंगे, ठीक। तो अगर कोई एक तबलीगी जमात अगर भाई वो जमात में जाके वो मेरे भाई मस्जिद के अंदर सिगरेट फूक रहा है कोने में बैठ के, ठीक है, वहाँ की लैट्रिन में बाथरूम में मसाला खा रहा है तंबाकू खा रहा है, तो क्या हम उसका वीडियो बना के कह देंगे ये देखो ये साले तबलीगी लोग तो नशेड़ी हैं गंजेड़ी हैं, क्या हम सब पे इल्जाम लगा देंगे। ये काम आपका फारूक खान लैपटॉप बाबा करता है, वो किसी शख्सियत को लेके पूरी जमात को बदनाम कर देता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो मजारों की पूजा पाठ कर रहा है, जो मजारों का तवाफ कर रहा है, जो मजारों का सजदा कर रहा है, वो आला हजरत को नहीं मानता, वो आला हजरत के फतवों को नहीं मानता, क्योंकि आला हजरत ने खुद कह दिया है कि कब्रों का सजदा करना हराम है, ताजीमी सजदा हो चाहे भाई वो इबादत का सजदा हो चाहे कोई मोहब्बत का सजदा हो, कोई सजदा ही नहीं जायज है, सजदा ही नहीं करना। तो जो ऐसे बरेलवी साले कर रहे हैं वो अपने आला हजरत के नहीं सगे हैं, तो हम ये कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि ये तो बरेलवियों का अकीदा है, बरेलियों के आला हजरत ने कहा है कि कब्रों पे जाओ सजदा करो, आज तक अगर हमने कहा हो तो आपका जूता हमारा सर, हम झूठ नहीं बोलते। अभी, अभी आपने बोला कि तुम लोगों का वही अकीदा है, अभी आप बोल रहे हैं कि फिर मैंने कभी नहीं कहा, अभी मुझसे कहा आपने, जब मैंने कहा भाई कि देखिए ये नहीं कहा। कभी भी इंसान की अक्सरियत को देख के उसके ऊपर मेरे भाई कोई जो होता है ना लकब अक्सरियत को देख के कहा जाता है, जैसे आप लोग पे बरेलियों को कहा जाता है कबर, आपने कबर पूजा इल्जाम लगाया, जब मैंने बताया कि ये सब चीज हराम है तब आप बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप पहले तो आपने बताया कि आप बरेलियों सब यही करते हैं। भाई अगर आप ना भी कहते हैं ना तो मैं आपको बताता कि अगर आप इसको जायज कह रहे हैं तो आपकी आला हजरत ने इसको हराम कहा है, और दूसरी चीज मेरे भाई ये है कि जो हराम तौर पे बरेलियों को कहा जाता है कबर पूज्य, यानी कि भाई मतलब भाई वो डेड बॉडी पुजारी, तो जो ये मेरे भाई जो जो भी लकब लगता है ना वो अक्सरियत को देख के लगता है, किसी एक दो भाई हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं सारे के सारे जो मतलब बरेलवी हैं सब, देखिए अक्सर बरेलवी होते हैं गालीबाज बस जुबान, लेकिन भाई कुछ लोग भाई दम अच्छे से बात करते हैं, आप भी बरेलवी आप अच्छे से बात कर रहे हो। हेलो वहाँ जो बोल रहे हैं वहाँ तो गैर कौम के आदमी भी जाते थे, सिर्फ बरेलवी या देवबंदी या आले हदीस ये नहीं जाते हैं, वहाँ पर तमाम कौम के लोग जो जो जिसे हम हिंदू कहते हैं वो भी जाते हैं। भाई एक बताइए क्या कौन सा आपके लिए क्या अपना अलग उसूल है और दूसरों के लिए क्या अलग उसूल है। अब भाई जैसे देवबंदी लोग हैं उनके मेरे भाई किसी अकाबिर ने अपनी किताब में भाई इतना लिख दिया
कि कौवा खाना हलाल है, तो आज हाँ, सारे बरेलवी जितने हाँ, भी हैं अक्सरियत वो साफ साफ हाँ कहती है, अरे ये देवबंदी तो कौवा खो रहे हैं, इनके वहाँ तो कौवा खाया जाता है। तो अब बता तो दीजिए कि आप, सारे के सारे देवबंदी आज की तारीख में भाई कौवा खाते हैं लेकिन आप उसका, नहीं खाते हैं ना, लेकिन आप लेकिन सुनो, उनकी जब तक अक्सरियत ये देखिए, चीज क्या उनके है, फतवे देखिए, सुनो, उनके ऊपर इल्जाम लगाए ना। हाँ तो उस फतवे का आप इनकार कीजिए कि नहीं ये फतवा गलत है, ये तो वही तो कह रहे हैं ना, तो बात तो इल्जाम आपको तो लग बोलना गया ना पड़ेगा कि उनके ये फतवा ऊपर। गलत है। हाँ तो ऐसे तो हमने भी इनकार किया कि जो भी, चाहे वो सऊदी का कोई शेख हो या इंडिया का कोई हो, चाहे दुनिया के किसी कोने का हो, चाहे वो अरबी बोल रहा हो, चाहे इंग्लिश बोल रहा हो, चाहे हिंदी बोल रहा हो, अगर वो डांस कर रहा है, शराब पी रहा है, नंगी नंगी लड़कियों के साथ भाई वो नहा रहा है, तो चाहे वो कोई भी मसलक का हो वो गलत है। चाहे वो बहुत बड़ा लामा क्यों ना हो, वो हरामकारी कर भाई, रहा है, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं। लेकिन अब आके कोई आके बरेलवी इतना कह दे कि जो हमारे आला हजरत ने अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा की शान में जो मतलब जो गंदे अलकाब को भाई वो नकल किया है, बयान किया है, उसका हम दिफा हम नहीं करते। आपके आला हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा की शान में एक आसार को भाई वो नकल करते हैं, वो मैं अपने अल्फाज से भाई मैं कह नहीं पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है। एक लाइन आपको बता देता हूँ, क्या बताएं। क्या मस्त जोवन यौवन इस टाइप से है, लेकिन मैं ओपन नहीं बताऊंगा, अल्लाह माफ करे मुझे। तो ये बताइए, उम्मत की माँ के ताल्लुक से क्या इस तरीके के अलकाब इस्तेमाल करने के जायज है? और एक आपकी बात मुझे सुन बता लीजिए देना है पूरी ना बात भाई, मेरे भाई, मलफूजात आला मैं, हजरत में आता है कि आला हजरत जब सोते थे रात को तो अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे करते और अपने पैरों को ऐसा मोड़ते कि मोहम्मद बन जाता, माज अल्लाह, अपने पैरों के आकार से वो इस तरह लेटते कि देखने वाला जब देखता तो उनके पैरों का आकार और सर के नीचे दोनों हाथ ऐसा उसको लगता कि जैसे मोहम्मद लिखा हुआ है माज अल्लाह। तो अल्लाह के नबी को अपने पैरों से मेरे भाई तस्बीह देना, ये आशिके रसूल है। और आपके आला हजरत क्या फरमाते हैं मलफूजात सुनिए, आला हजरत में कि आप क्या अम्बिया उनके आसार अलैहिस्सलाम नहीं अपनी पढ़े? आप कब्रों अभी में अभी बोल रहे जिंदा हैं कि हैं, ऐसा ऐसा किताब हमने पढ़ा है उनके, जो वो तो बहुत अच्छे आपने नहीं सुल्लामा पढ़ा है की तो रोशनी इसीलिए में तो कह बातें रहे हैं ना बोलते हैं। आप, लेकिन इसीलिए तो मेरे अभी भाई शरीफ बरेलवी हैं। जिस दिन आप आला हजरत की किताबें पढ़ लेंगे उस दिन आप फारूक खान लैपटॉप बाबा की तरह बदमाश बरेलवी बन जाएंगे। जो आप मुझसे इतनी कायदे से बात कर रहे हैं ना, उनकी किताबें पढ़ने के बाद आप सीधे गालियां देने लगोगे मुझे। ऐसे गालियां देने, गालियां मलफूजात बात आला करें। हजरत में आता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और आपके पास आपकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं माज अल्लाह। इस तरीके की मेरे भाई चीजें उतरी हुई हैं। देखिए ये तो हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं। देखिए, जिंदा अल्लाह के नबी बेशक अपनी कब्र के अंदर भाई वो जिंदा है और कब्र मेरे भाई बरजा के, लेकिन उसमें रात को बीवियों का पेश होना, क्या कभी अल्लाह के नबी ने अपनी किसी बीवी से कहा कि ए आयशा तुम परेशान ना होना, इंतकाल के बाद तो अपन लोग आराम से डेली भाई वो कब्र के अंदर मुलाकात होगी, कोई एक सही हदीस पेश कर दीजिए। कोई नहीं आज तक पेश कर पाया। अब तो आपके जो मेरे भाई बरेलवी आलिम है वो तो अपना पल्ला झाड़ते हैं कि ये आला हजरत की बात नहीं है, ये तो आला हजरत ने किसी का कौन नकल किया है। अब इस पे आ गए, तो जब उनको हदीस नहीं मिली तो इस पे आ गए। देखिए उस जो बात आप जो रिवायत आप बता रहे हैं वो रिवायत से मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी के जिंदा की चलिए बात जो ठीक है, बता रहे मैं हैं ये ठीक तो है, अभी आप हमसे कह रहे थे ना, जब मैंने आपसे कहा था कि भाई जो आला हजरत की बातें सही हैं और जो साबित है कुरान हदीस से मैं उसको मानता हूँ, तो आपने टोका था ना कि कौन सी बात है जो साबित नहीं है। तो उनके ऐसे ऐसे फतवे हैं, थोड़ा आपको भाई सुना देता हूँ। फतावा रजविया उसकी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 638 पे लिखा हुआ है, आला हजरत का फतवा है इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी। वो कहते हैं कि सुन्नी और वहाबी को बराबर जानने और मानने वाला काफिर, यानी कि उनके नजदीक जैसे हम और आप बात कर रहे हैं भाई एक दोस्ताना अंदाज में, प्यार मोहब्बत से, बिना एक दूसरे के ऊपर चीन छान लाल तान किए एक दोस्ताना अंदाज में, तो उनके फतवे के हिसाब से आप काफिर हो गए। सुन्नी ऐसे हम वहाबी काफिर को हो गए आप बराबर बताइए। जानने वाला और मानने वाला काफिर है। और आगे लिखा हुआ है कि वहाबी देवबंदी से दोस्ती करना हराम है
और उनसे दिली दोस्ती और कल्बी मोहब्बत करना कुफ्र है। फतावा रजविया उसकी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 91 और 92। तो ये बताइए, दोस्ती करना हराम है, ये कुरान की कौन सी आयत में भाई ये लिखा हुआ है, और अल्लाह के नबी की कौन सी हदीस में उतरा हुआ है कि अहले सुन्नत अहले हदीस को वहाबी का लकब देके उससे अगर कोई दोस्ती कर लेगा तो मतलब भाई वो हराम हो जाएगा। तीसरा बतवा सुनिए, वो तो वहाबी से बात बोल रहा है ना। वहाबी, अगर आप वहाबी हैं अल्लाह के रसूल के गुस्ताख है, इसका माना तो यही है ना कि अल्लाह के रसूल के गुस्ताख जो है उससे अगर वहाबी आप वहाबी किसको कहते हो आप लोग? आप किसको बोलते हैं बताइए, आप किसको समझते हैं? देखिए, हम तो पहली चीज तो ये हम इकरार ही नहीं करते हैं कि हम वहाबी हैं। हम ये कहते हैं कि हम, सुन तो लीजिए पहले पूरी बात तक बनते, हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं आपको बता रहे हैं। हम वहाबी पहली चीज तो अपने आप को कहते नहीं है और ना हम हैं वहाबी। हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, लेकिन अगर वहाबी एक अल्लाह का नाम है अल वहाब, और अल्लाह सुब्हानहु ताला सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 8 में कहता है कि बेशक अल्लाह वहाब है, तो अगर हम इस माने में अगर कोई हमको वहाबी कहता है तो बेशक हम भाई हम हैं वहाबी, भाई हम अल्लाह वाले हैं। लेकिन अगर कोई इस माने से वहाबी नहीं है, लेकिन तो अगर वहाबी से देखिए हम कौन से वहाबी नहीं है ये हम बता रहे हैं ना। अब हम कौन से माने में है वहाबी वो बता दिया है, अब कौन से माने में नहीं है वो सुन लीजिए। बोले तो उसका मुराद ये है कि तुम वहाबी देवबंदी से दीदी या कल्बी दोस्ती मत करो, ये करना हराम है, यही लिखा है ना, ये कुफ्र है। हाँ कुफ्र है, ठीक है कुफ्र है। तो बात ठीक है कि वहाबी उसका देखिए उसका मुराद क्या है कि अल्लाह के रसूल का गुस्ताख जो अल्लाह के रसूल का गुस्ताख तो खुद बरेलवी है ना, तो फिर ये बात ही कैसे साबित होगी? मेरे अल्लाह कहाँ मैं सर पे पत्थर कि तेरा सर मेरा जूता, मेरा सर तेरा जूता होगा, लेकिन फिर भी आप वही इल्जाम लगा रहे हैं कि आप बरेलवी। अभी तो मैंने बोला कि मैं अभी सिर्फ बात बरेलवी पर, ठीक है अब आपको बता रहे हैं गुस्ताखी क्या होती है। एक्चुअल में गुस्ताखी ये होती है कि अल्लाह ने अपने नबी के बारे में जो कहा और नबी ने जो अपने बारे में सहाबा इकराम को बताया उससे हट के अगर कोई बात अल्लाह के नबी के ऊपर कोई मतलब भाई वो लगाता है मंसूब करता है तो वो अल्लाह के नबी का गुस्ताख होता है। और अगर कोई अल्लाह के नबी का भाई कोई है गुस्ताख तो वो आज की तारीख में, मेरे भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ नाराज ना होइएगा, वो आज की तारीख में जो अल्लाह के नबी के सबसे बड़े गुस्ताख हैं वो नॉन मुस्लिम के बाद अगर कोई है तो वो है हमारे आला हजरत के मसलक पे चलने वाले, अपने आप को हनफी बरेलवी बोलने वाले। उन्होंने अल्लाह के नबी की शान में बे इंतहा गुस्ताखी की है, बे इंतहा। वो तो बताइए, हम तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा गुस्ताखी आले हदीस करते हैं, अपने आप को आले हदीस कहते हैं, लेकिन हदीस के बाद हदीस को मानते ही नहीं। मैं आपको फतवे बता रहा था आपके आला हजरत के, दीनी इल्म रखने वाला अगर बद मजहबों के रद्द की नियत से अंग्रेजी जुबान भी पढ़े तो सवाब उसको मिलेगा। यानी कि अगर कोई बरेलवी है वो मतलब जैसे ये अहले हदीस हो गए देवबंदी हो गए इनका रद्द करने के लिए इंग्लिश अगर वो सीख ले तो उसको सवाब मिलेगा। अब ये सवाब क्या ये सवाब इनको देंगे? भाई सवाब देना तो अल्लाह के काम अल्लाह के इख्तियार में है ना, अल्लाह सवाब देता है ना, और अल्लाह सवाब भाई कब देता है, कब देता है? नेक काम करने में ना। तो अगर कोई इंसान खुद को सच्चा और सच्चे को झूठा समझ के वो मेरे भाई सच्चों का रद्द करना स्टार्ट कर देगा तो उसको सवाब थोड़ी ना मिलेगा, उसको तो अजाम मिलेगा। अब सुनिए, फतावा रजविया उसकी जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 53 पे लिखा हुआ है कि बद अकीदा वहाबी देवबंदी वगैरह की नमाज हो रही हो तो सुन्नी अकेले पढ़े तनहा पढ़े। इसीलिए जो मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं जब वो भाई जाते हैं उमरा करने हज करने तो जो भाई इमाम साहब होते हैं हरम के जिनके पीछे सारी दुनिया पढ़ती है नमाज, सिर्फ बरेलवी इकलौता खुद साख्ता ईमान वाले बने हुए हैं जो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते।
अब सुन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आप सही बताएंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सब के सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक के, सब पढ़ेंगे लेकिन हाँ बताइए। आपके आला हज़रत फरमाते हैं फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 23 में सफा नंबर 382 में कि बिना इल्म के कुरान का तर्जुमा देखकर समझ लेना ये मुमकिन नहीं है, बल्कि उसके नफा से ज्यादा नुकसान है। जब तक किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन से ना पढ़े ले, आलिम के समझ लेना कैसे, जो आलिम होगा वही ना समझाएगा। यार अल्लाह ताला तो कह रहा है कि मैंने इस कुरान को आसान बनाया है, कोई है इसको समझने वाला, और आपके आला हजरत कह रहे हैं कि कुरान बड़ा मुश्किल है, ये कोई तर्जुमा देख के समझ नहीं सकता, और अगर समझ भी सकता है तो सुन्नी सहीहुल आलिम से ही समझ सकता है। मतलब जिसका अकीदा मतलब सुन्नी अकीदा हो, यानी कि आम तौर पे बोले तो बरेलवी वाला अकीदा हो, वही अपनी अकल से कुरान सबको समझाएगा, तो ऐसे तो हम नहीं समझने वाले, क्योंकि आला हजरत के जो कुरान का तर्जुमा है वो खुद उसमें मेरे भाई काफी आयतों में भाई वो गलतियां हैं। कंजुल ईमान जो आला हजरत का तर्जुमा है उसमें कुरान के आयतों में तहरीक हुई है। कुरान का तर्जुमा जहाँ भी गया है, सऊदी अरब गया है, तमाम जिन्होंने भी तहकीक किया है कि इनसे अच्छी तर्जुमा आज तक मैंने किसी के कुरान में नहीं, किसी के कुरान की तर्जुमे में नहीं देखी। और भाई आपके आला हजरत ने तो कुरान के खिलाफ फतवा दे दिया, आपके फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 489 पे लिखा हुआ है कि सिर्फ जो मुस्लिम है वही आपस में भाई भाई होते हैं, काफिर किसी मुस्लिम का भाई नहीं हो सकता। बात तो सही है, मुस्लिम का भाई कैसे हो गया? अच्छा क्या आप मानते हैं? तो जो भाई जो ये हिंदू हैं, हाँ, जो ईसाई हैं, हाँ, जो सिख हैं, हाँ, ये कौन है? आपके भाई नहीं इंसानी? इंसानियत के नाते हैं लेकिन दीनी भाई तो नहीं है ना मेरे। तो दीनी भाई हम कब कह रहे हैं? यहाँ पे तो दीनी इंसानी का नाम ही नहीं लिखा है ना, उसी का मतलब इन्होंने लिखा है मुसलमान मुसलमान आपस में भाई है, बाकी कोई किसी का भाई नहीं हो सकता, बाकी किसी का भाई नहीं, बाकी ये तो कुरान कुरान हदीस की रोशनी में है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि हर बनी आदम की औलाद पर कर्म किया है अल्लाह ने, ठीक, और तमाम जो इंसानियत है वो बनी आदम की औलाद है, तो इंसानी भाई तो हम हुए ना। इंसानी भाई आप मान रहे हैं लेकिन तो आला हज़रत के तो हिसाब से अगर कोई मेरे भाई मानी हमें मुसलमान है, अगर हमने किसी हिंदू को भाई कह दिया तो मेरे भाई फिर ये उलट काम हो गया, गलत हो गया, उनको तफसीर देना चाहिए था ना कि कोई मुसलमान किसी काफिर का दीनी भाई नहीं हो सकता, दीनी का तो अल्फाज ही नहीं है। जो बात आप समझ रहे हैं उनको भाई बोल रहे हैं, और दीन दीन का भाई बोल समझ बोल रहे हैं कि इंसान के नाते आप उसको भाई बोल रहे हैं, ठीक है। आगे जो फतवा है जो जो बरेलवी होता है सुन्नी मुसलमान नजर और फातिया नियाज इसाले सवाब की नियत से करता है, इबादत की नियत से नहीं। फतावा रज़विया उसकी जिल्द नंबर 21 सफा नंबर 132। तो अब ये बताइए इसाले सवाब अल्लाह के नबी भाई साहब इकराम से पूछते हैं कि मैंने तुम तक सारा दिन पहुंचा दिया, तो साहबा की भीड़ होती है वो कहती है कि हाँ अल्लाह के रसूल आपने सारा दिन पहुंचा दिया, और अल्लाह के रसूल अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ करके कहते हैं अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने मैंने इन तक सारा दिन पहुंचा दिया। अब अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में भाई बता दिया कि इसाले सवाब क्या है। इसाले सवाब भाई वो होता है कि किसी के इंतकाल होने के बाद ऐसा सवाब जो उसको पहुंचाया जाए, ट्रांसफर किया जाए, उसको कहते हैं इसाल, इसाल करना, यानी कि इसाले सवाब। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब मैयत का इंतकाल हो जाता है तो उसके आमाल के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं सिवाय तीन चीजों के, पहला नेक औलाद, दूसरा नाफे इल्म, और तीसरा सदकाए जारिया, यानी कि नेक औलाद
वो जो भी अच्छा काम करेगी, जैसे भाई वो हाँ नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक उसका सवाब उस, पहुंचेगा। हाँ, उस तक पहुंच जाएगा मैयत के पास। अगर वो अपनी जिंदगी ऑटोमेटिक में पहुंच ऐसा जाएगा, वो इल्म अपने सुन आप के बोला जब गया तक था, इशार नहीं करेगा तब तक पहुंच ही जाएगा। इसाल करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला का जो सिस्टम है ना वो अपडेटेड है। ये हमको कहना अपडेटेड नहीं है है कि जो हमने कुरान पढ़ा है, अल्लाह मेरे अब्बा को बख्शे, मेरी दादा को बख्शे, मेरी नानी को हाँ, बख्शे, मेरी अम्मा को बख्शे, हमको मांगने बख्शवाना की नहीं है, जरूरत नहीं, वो खुद ऑटोमेटिक पहुंच डायरेक्ट जाएगा। क्योंकि अपने औलाद आप जो में पहुंच होती है जाएगा। वो वालिदैन की भाई जो पूंजी होती है, कमाई उनमें से होती है, तो वो हाँ जहाँ खर्च होगी ऑटोमेटिक भाई जो उसका सवाब होगा वो उसको मिलेगा, भाई वो मालिक को, यानी कि आपका माल अच्छा, है, अगर माल आप मेरे भाई किसी की, मान लो आप भाई कुछ कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो सवाब उसका ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। उसी तरीके से जो माँ बाप है उनका जो माल है, जो असल उनकी भाई जो दौलत है, वो उनकी औलाद है, तो औलाद अगर कुरान पढ़ लिए तो ऑटोमेटिक सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ लिए तो मिलेगा, सदका कर दिए, खैरात करिए, जो कर रही है सबका सवाब ठीक उसके माँ बाप को मिलेगा। तो पहला तो हो गया नेक औलाद, हाँ दूसरा हो गया नाफे इल्म, यानी कि ऐसा इल्म जो अपनी जिंदगी में वो छोड़ के गया हो, मतलब ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए, किताबों के जरिए, कि लोग उसके इंतकाल के बाद भी उसके इल्म से फायदा उठाएं, तो उसके नाफे इल्म का जो फायदा है वो उस बिल्कुल मैयत को बिल्कुल ठीक मिलेगा। और है तीसरा ठीक है, और बताइए। आखिरी है सदकाए जारिया, यानी कि अपनी जिंदगी में वो ऐसा काम करके चला जाए, अस्पताल बनवा दे, मतलब भाई रास्ता बनवा पानी दे, का कुआं इंतजाम कर खुदवा दे, दे, कुआं मस्जिद खुदवा बनवा दे, दे, हैंडपम्प बनवा दे, ठीक जो उसके मरने के बावजूद भी लोग उससे फायदा उठाते रहे, वो सदकाए जारिया। इन तीन चीजों के अलावा फातिया, नियाज, तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, इनसे सवाब जबरदस्ती पहुंचाने वाले आला हजरत कौन होते हैं शरीयत में दखल देने वाले? क्या मेरे नबी ने कहा? जबरदस्ती क्या पहुंचाने वहां मेरे के सहाबा इंसान का ने सवाब इंतकाल तो हुआ मारे तो ना, क्या सहाबा के जो बच्चों ने कभी फातिया में तीसरे क्या दिन बुरा पूजा लगा आप किया? बताइए तो, फातिया हाँ? में क्या बोल रहे हैं कि फातिया पर, फातिया इसाले सवाब ही है, असल उसका इसाले सवाब है। फातिया नाम दे दिया जाता है, 12वीं नाम दे दिया जाता है, 12वीं शरीफ नाम दिया जाता है, लेकिन उसका असल तो इसाले सवाब जो है ना। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, जो ये असल है फातिया पढ़ना, ये क्या कभी सहाबा, कभी तो इंतकाल होता था, तो क्या कभी हाँ सहाबा के बच्चों ने तीसरे दिन सबको जमा करके फातिया पढ़ी, 40वें दिन 40वां करके सबको फातिया पढ़ी, सालाना इसका तो कोई जरूरी फातिया नहीं है। पढ़ी? सुनिए, आप जो बोल रहे हैं 40 दिन, इसका कोई जरूरी नहीं। कौन से अहले सुन्नत जमात वाले की, जमात वाले ने बोला है कि 40वां दिन ही आपको करना होगा नहीं, या अहले सुन्नत व्रत वल नहीं करना जमात ने होगा? तो नहीं बोला, लेकिन बरेलवी आलिमों का ये कहना है कि कौन सा मैयत आलू की बोलता रूह है कि को 40वें दिन करना है? कभी भी जल्द कर से सकते जल्द हैं आप। आराम देने के लिए तीसरे दिन तीजा कर दीजिए और खाना हाँ बना के आप उसके नाम से बांटिए। लेकिन होता कहा, क्या है, इन लोगों ने कौन सा चोर आलिम ने रास्ते कहा है कि खोले तीसरे हैं दिन आप कि पूजा कर खाना दीजिए? मिलेगा, भाई हाँ खाना मिलेगा ना तीसरे दिन, तो मैयत के नाम से खाना ठूसने का ये बहाना है। अब होता क्या कौन है किसको फातिया में, खाना अब सुन, मिलेगा? ये बात अरे आप गलत भाई बता रहे हैं। मैं भी जो मेरे खानदान में वो भी अक्सर लोग जो है मेरे भाई बरेली हैं, तो मैं भी मेरे भाई इंतकाल में जाता हूँ, तो फातिया में क्या क्या आता है पता है? जो क्या जो आता है? मैयत को पसंद होता है, मैयत को अपनी जिंदगी में मुर्गा, बकरा, केला, सेब, अमरूद, खीर, मीठा, जो पसंद होता है वो सब बनता है। और क्या वो होता सब है, बन के क्या मौलवी मैयत साहब खाता आते है? हैं, हेलो, वो वो मैयत तो फातिया नहीं खाता पढ़ते है, हैं, वो दुआ तो करते गरीबों हैं को और खाने वही के खाना लिए, ठूस वो के चले गरीबों में जाते हैं। तकसीम करने के लिए बनाया जाता है, जिससे अरे उसका सवाब उसके गरीबों, नाम फिर पर पहुंचे। वही चीज अलग बंदे, गरीबों के लिए खाली एक आइटम बनता है, या तो सालन और रोटी, और या तो मेरे भैया बिरयानी, दो आइटम बनते हैं जो गरीबों में पैकेट बना के उनको जाके दरगाह के बाहर जो बैठते हैं या जो मोहल्ले में गरीब होते हैं जाके उनको बांटाते हैं। लेकिन जो मैयत का पसंदीदा खाना होता है वो जाता है मौलवी के पेट में, क्योंकि मौलवी साहब को बकायदा बुलाया जाता है मगरिब के बाद, अगरबत्ती जला के उनकी पसंदीदा खाना को सामने रख के मौलवी साहब फातिया पढ़ते हैं, फातिया देने के बाद भाई वो दुआ करते हैं, सब लोग आमीन हाँ, आमीन बोलते हैं, फिर एकदम जो मैयत के फैमिली वाले होते हैं कहते हैं अरे थोड़ा चख लीजिए, वो कहता है अरे नहीं नहीं अरे थोड़ा चख लीजिए, वो कहता है नहीं 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 अरे वो कहता है थोड़ा चख लीजिए, अच्छा कहता है लाइए चख लें, फिर चखने के बहाने तो जो क्या जो मैयत हम को अगर पसंद किसी को होता है वो बुला, सब ठूस के हेलो, खा लेता है। तो ये खाने हाँ, पीने के चोर रास्ते खोल दिए बिदतों ने, नबी तो ने बात नहीं ये किया गलत तो हम बात आप नहीं बोले करेंगे, हैं। तीन साले अगर सवाब अगर बताए तीन ही देखिए, करेंगे।
तीन को तीन तो नहीं के दौर बनाएंगे। में इसाले सवाब करना, उसका असल तो इसाले सवाब है ना, असल कहाँ से हो गया भाई? कलाम पाक को पढ़ा जाता है, कलाम पाक की सूरतों को पढ़ा जाता है, उसकी आयतों को पढ़ा जाता है, उसका कुरान का सवाब मैयत को पहुंचता है, ये अल्लाह के नबी ने बताया। कैसे नहीं बताया, बताइए कहाँ बताया? हजरत साद बिन रजी अल्लाह, हजरत साद साद रजी अल्लाह ताला अनहु की माँ का इंतकाल कर गई, तो वो तो पानी का जो कुआं होता है उसके बारे में बताया था ना कि पानी का कुआं खुदवा लो। कुरान का सवाब भाई वो मैयत को पहुंचता है, कहाँ लिखा है? कुरान के आयत पढ़ने से सवाब नहीं होता है, तो वो तो जो पढ़ेगा उसको मिलेगा ना, मैयत को थोड़ी ना पहुंचा दोगे। अभी अभी तो आप बोले कि अपने आप पहुंच जाता है, उसका बेटा पढ़ेगा तो ये अपने आप बेटा पढ़ेगा, बस अलहमदुल्ला। देखा, नेक औलाद, नेक औलाद जो भी नेकी करेगी वो पढ़ेगी ना। बेटा को तो कलाम मौलवी मुल्ला को जमा करके फातिया खानी करवा के थोड़ी ना सवाब भाई पहुंच जाएगा, दोनों बातों में फर्क है। देखिए तो मैं है ना? आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, मैयत के नाम से कुरान और जो भाई जो होता है नमाज, ये ऐसी दो इबादतें हैं जो मैयत को अपनी जिंदगी में खुद करना था। उसके इंतकाल के बाद ना तो उसके नाम से कोई मेरे भाई कुरान पढ़ सकता है, ना ही उसके नाम से कोई पांचों टाइम की नमाज पढ़ सकता है। ये दो ऐसी भाई मतलब वो इबादत थी जो मैयत को अपने जीते जी खुद करना था। ये बात आप गलत बात कर रहे हैं, नमाज हो सकता है, नमाज इबादत का काम है, ये तो कुरान को कभी भी पढ़ा जा सकता है ना। कुरान मेरे भाई जिंदों के लिए नाजिल हुआ है, मुर्दों का कोई लेना देना नहीं है, मर गया टेस्ट खत्म, अब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कब्जे कुदरत में है। जब कुरान जो है वो नाजिल हुआ है उसको पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए, ना कि कोई का इंतकाल हो जाए तो उसको मतलब सवाब पहुंचाने के लिए हम पारे पे पारे पढ़ लें, एक पारा मतलब बाजी पढ़ ली है, एक पारा खाला पढ़ ली है, मदरसे के बच्चों को जमा करवा के कुरान खानी करवा रहे हैं, ये सब मेरे भाई बिदत है। एक चीज बताइए, साहबा के पास क्या था? साहबा के पास ना ज्यादा माल था ना दौलत थी, उनके पास बस एक चीज थी, कुरान कुरान कुरान। एक वाकया एक आसार बता दीजिए कि किसी साहबा का इंतकाल हुआ हो तो क्या तमाम साहबा ने जमा होके क्या मतलब इकट्ठा कुरान पढ़ के उनको बख्शा? नहीं। नेक औलाद ने जो इबादत की वो ऑटोमेटिक उसके माँ बाप को पहुंच गई, लेकिन आम तौर पे कुरान खालिस पढ़ के, और कुरान भी नहीं पढ़ रहे, फातिया खानी नियाज खानी, ये क्या है? फातिया नियाज खानी, असल कुरान का मनमाना इस्तेमाल, कुरान को उस तरीके से पढ़ना है जैसे उसको पढ़ने के लिए बताया गया है। सूरह फातिहा आपको पढ़ना है, आप सुबह शाम उठते बैठते नमाज में, नमाज के बाहर आराम से पढ़ो, लेकिन सूरह फातिहा का मनमाना इस्तेमाल करना और फातिहा खानी के नाम से अव्वल आखिर अल्लाह के नबी के ऊपर भाई वो सलाम और दुरूद और 11 बार फला कुल और चारों कुल और उसके बाद फिर सूरह फातिहा, इस तरीके से पैकेज बना के क्या अल्लाह के नबी ने बताया कि हाँ तुम इस तरीके से आगे पीछे 2 बार 11 बार 10 बार इस तरीके से करके मैयत को पहुँचा दो? नहीं बताया तो हम क्यों करें? जब सहाबा से अल्लाह के नबी ने कह दिया क्या मैंने तुम तक सारा दिन पहुंचा दिया, सहाबा ने कहा हाँ पहुंचा दिया, नबी ने कह दिया ए अल्लाह तू गवाह रहना, इसके बाद दिन पूरा कंप्लीट मुकम्मल सूरह मायदा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है और आज हमने इस दिन को एकदम कम्प्लीट कर दिया, तो दिन कम्प्लीट हो गया ना, तो अब हमको नए नए इसाले सवाब के तरीके बनाने की क्या जरूरत है? ये तो आप ये सब करके ये साबित करना चाहते हैं माजल्ला, जो आसान तरीके आपको पता चल गए वो माजल्ला अल्लाह के नबी ने उम्मत को नहीं बताया, तो ये सब तोहमत वाले काम ना कीजिए, वरना आप हो जाएंगे अल्लाह के नबी के तोहिन करने वाले, गुस्ताखे रसूल। इसलिए अल्लाह के नबी के तोहिन करते हैं ये। अब इसाले सवाब का आप बोल रहे हैं कि फातिहा कुंडे का नियाज ये 11वीं 12वीं इसका नाम अलग दिया जा रहा है, लेकिन असल में तो वो इसाले सवाब ही है ना। अच्छा एक चीज बताइए, अभी मैं नमाज का नाम दे दूं, ठीक, नमाज कजाई उमरी, तो क्या भाई ये नमाज जायज हो जाएगी? अब मैं कहूँ भाई मैं नमाजी तो पढ़ रहा हूँ, उम्र भर की नमाज में एक साथ पढ़ रहा हूँ, तो क्या मतलब भाई ये बिदत हो जाएगी? तो बेशक बिदत हो जाएगी, नमाज को अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज को कायम करो, और कैसे कायम करना है ये हमारे अल्लाह के नबी ने बता दिया है, नमाज को अपने औकात से अदा करना है, ना कि साल भर नमाज छोड़ते रहो और एक दिन आके कजाए उमरी नाम की नमाज पढ़ लो और सारी छूटी हुई नमाज एक ही टाइम में पढ़ के फुर्सत पा जाओ, तो
तो क्या ये शॉर्टकट नहीं तरीका क्या दीन में ला सकते हैं? नहीं ला सकते नहीं हैं, सर, क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने बताया उसी तरीके से इताले सवाब के लिए शॉर्टकट तरीके हमको नहीं करना है। इताले सवाब के बारे में तो बताया गया है ना, तो तीन चीजें बताई गई है ना जो मैंने अभी आपको बताया है मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस से, कोई हाँ। चौथा तरीका हमको आप बता दीजिए। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जिंदगी भर हनफी बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। इन तीन चीजों के अलावा बता दीजिए, जो ठीक भी है होगा बताइए वो इन देखिए। तीनों में से आएगा। पानी, अगर आप भाई पानी के लिए अगर आप भाई वो कुछ खोदते हैं कुआं, तो ये भी आ जाएगा मेरे भाई सदकाए जारिए में। ठीक, गरीब को खाना अगर आप खिलाएंगे तो ये भी मेरे भाई सदकाए जारिए में आ जाएगा। इन चीजों से हट के कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, जो कुछ है इन तीनों में आएगा। लेकिन अब आप हमें ये बता दीजिए, कुंडे की नियाज में क्या नाफे इल्म है या नेक औलाद है या सदकाए जारिया है, क्या है कुंडे की नियाज में? देखिए उसमें तो इसाले सवाब का जाफरे आपको हम सादिक बता की दें। हाँ नियाज के नाम से कुंडे की फातिया करना, इसमें ना तो नाफे इल्म है, ना ही भाई वो सदकाए जारिया है, ना ही नेक औलाद है। कौन सा इसाले सवाब की भाई असल मौजूद है आप बताओ? हम तो आपसे कह रहे हैं भाई, हाँ तो बुरानकुम इंतुमकुम सादिकीन, अगर सच्चे हैं तो दलील पेश कीजिए ना। ठीक है, उसका दलील हम देखिए, मैं तो कोई आलिम हूँ नहीं, उसका दलील हम अरे आपको तो प्रूफ हम आलिम नहीं है तो करके मेरे भाई इसाले सवाब तो करते होंगे, इतना तो आपको बेसिक इताले पता ही सवाब होगा। देखिए, इताले का तो उसका तो सबूत हम दे रहे हैं, अब इताले सवाब से पूरा है, इताले सवाब का भी अरे सबूत मतलब दिया गया है इसाले सवाब आपको। के नाम से कल को आप कह देंगे कि अब हम एक काम करेंगे, बेहतरीन यहाँ पे लगवाएंगे डीजे और बेहतरीन लोगों को भाई हम खुश करेंगे, और ये जो मतलब जो डीजे पे पैसा खर्चा होगा ये मैयत की तरफ से खर्चा कर देंगे कि जो लोग डीजे पे आराम से नाचेंगे भाई वो खुश होंगे, तो उसका ये तो सवाब अल्लाह हराम है ताला ना, मैयत को दे देगा। तो क्या ये ये इसाले सवाब का तरीका हो जाएगा? इधर तो आप बात जा रहे हैं, इधर तो हराम काम है ना, वहाँ नेकी का काम तो तो है यही नहीं। तो हराम काम हो रहा है ना कि नई कैसे नई दीन हराम में। काम है, दीन अरे बिदत मेरे भाई, में क्या क्या है? जायज हराम नहीं है है, जो हराम काम है। अल्लाह के नबी कर ने कहा है इसका हाँ ठिकाना जहन्नम की आग है, कुल्लू बिदतिन ज़लाला, ओके, यानी कि बिदत हर से आ बिदत गए, गुमराही है। हर बिदत चलिए हम बिदत के आपको कितने किसी दिन कितने हैं। इतना, देखिए वसीम साहब माशाल्लाह पूरे झारखंड में, ठीक, आपका जो सबसे बड़ा से बड़ा आलिम हो, आप मेरा नंबर या तो उसको दे दो या उनका नंबर हमको दे दो, मैं इंशाल्लाह उनसे बात करूंगा और उनसे ये इल्तिजा करूंगा कि आवाम को आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके से दीन को बताइए। आला हजरत को साइड में रखिए, आला हजरत कोई मेरे भाई हुज्जत नहीं है। फरिश्ते जो मेरे भाई कब्र में सवाल पूछेंगे वो पूछेंगे तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा नबी कौन था, ये नहीं पूछेंगे तुम कौन से मसलक के इमाम के मानने वाले थे। तो आला हजरत कोई नहीं है, जो बात उनकी मेरे भाई भाई किताब सुन्नत से साबित है मानिए, ना मानना ना मानिए, क्योंकि इमाम मालिक रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इस दुनिया में हम सबकी बात को ले सकते हैं और सबकी बात को छोड़ सकते हैं सिवाय अल्लाह के नबी के। अल्लाह के नबी की बात तो हमको लेनी लेनी है। मान लीजिए कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आला हज़रत को जानते ही ना हो, उसका नाम तक ना सुना हो, लेकिन अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानता है, उनकी बातों को पढ़ता है, उस पर अमल करता है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई आला हज़रत को जानता है लेकिन वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से दूर है, तो वो कतई जन्नत में नहीं जाएगा। कोई आला हज़रत कोई मेरे भाई वो थोड़ी ना खरीद के लाए टिकट कि हाँ तुम मेरे पीछे चलो तुमको जन्नत में दाखिल करवाएंगे। वो तो बात कब बोल रहा है, कौन बरेलवी बोल रहा है? अरे भैया बरेलवी लोग तो खुला कहते हैं कि हम हैं जन्नती सुन्नती, तुम हो दोजकी जहन्नम के कुत्ते खबीस। तो मेरे भाई वो तो खुद साक्षर ही अपने आप को जन्नती साबित किस ले बात रहा है। पर कर रहे हैं पहले वो बता रहे हैं, तो किस बात पे, यही ना, अल्लाह का अल्लाह के भाई अल्लाह के रसूल रसूल कह के रहे हैं कोई शख्स अपने अमाल के बदले में जन्नत नहीं नहीं जाएगा जाएगा, बात पे तब अल्लाह तक की, अल्लाह जब तक उसका अल्लाह रब की उस पर मेहरबानी, रहम ना कर दे। हाँ अल्लाह की मेहरबानी जब तक ना हो तब तक कोई नहीं जा तो सकता। आप लोग कौन होते हैं खुद साख्ता अपनी जबान से कहने वाले कि हम तो जन्नती हैं माजल्ला, अल्लाह से बड़ा बोल बोल तो अल्लाह की मर्जी होगी तो वो फिरौन को भी जन्नत में डाल सकता है, लेकिन अगर अल्लाह को आप नहीं ये आजिज बात करना नहीं है, चाहते हैं। इसीलिए तो आपको बोलता है कि अल्लाह के रसूल के गुस्सा का, आप बोल रहे हैं कि फिरौन को भी जन्नत में जान सकता है, फिरौन वो तो भैया जहन्नमी है, इसमें तो बता दिया अच्छा गया है एक एकदम नहीं जहन्नमी। बता दिया, मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह से बड़ा बोल बोलेंगे तो अल्लाह ताला चाहे तो फिरौन को भी जन्नत में डाल सकता है, लेकिन अगर अल्लाह के लेकिन सामने बड़ा बोल बोल के आप अपने आप को खुद साख्ता जन्नती बना लेंगे ना,
तो अल्लाह ताला आपको इसीलिए भी ना जहन्नम में डाल सकता है। आप अल्लाह के सर दूसरा तरफ ले जा रहे हैं ना मोदी की, उसको चाहते हैं तो उसको ले जा सकते हैं, फिर उनको जन्नत में ले जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह तो क्यों इसमें कोई बड़ी बात है नहीं क्या? नहीं एक पाक बताइए, अल्लाह ताला अगर उसको भाई माफ करना चाहिए तो आप क्या अल्लाह को मना कर दोगे कि नहीं अल्लाह इसको माफ ना करो? लेकिन अल्लाह पाक झूठ नहीं बोलता है ना। तो हमने क्या कहा? अल्लाह चाहे तो ना, मैंने कोई अल्लाह की तरफ ये बात थोड़ी ना मंसूब कर दी कि नहीं अल्लाह ने कहा है कि वो फिरौन को जन्नत में डालेगा। आपकी मिसाल भी समझ में नहीं आती क्या? आपको इसी बात पर मुझे बात ख्याल आ गई, आपके कोई अकाबिर होगा लिखे हैं किताब में, मैंने पढ़ा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है माज अल्लाह, लेकिन बोलेगा नहीं, यही तो सबसे पहला फितना है। देखिए भाई, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है माज अल्लाह, ये हमारे अकाबिर ने, ये देवबंदियों के अकाबिर ने अपनी किताब में भाई इसको लिखा है। ठीक, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह की सिफात में ना इंसाफी करना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, धोखा देना नहीं है, ये अल्लाह सुबहान व तआला की भाई ये सिफात ही नहीं है। ना अल्लाह को नींद आती है, ना अल्लाह को ऊंग आती है। अल्लाह ताला अलहदा है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है। अल्लाह जो करना चाहता है, अल्लाह ताला कहता है कुन फयकून, बस वो हो जाता है। तो ये हमारा ईमान अकीदा है। हम अल्लाह की शान में तौहीन नहीं करते हैं, खुद को इस दुनिया में अपने आप को ओपन कह के धड़ल्ले से कि हम तो जन्नती हैं। सहाबा इकराम बेचारे रोते थे, दाढ़ियां भीग जाती थी, वो कभी अपने आप को मतलब इतने इतना पक्का तौर पे नहीं कहते थे, जबकि कुरान की आयत में है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, उसके बावजूद बेचारे रोते थे, डरते थे कि कहीं कोई हमसे चूक ना हो जाए। और आप लोग इतने गुनाह करने के बाद, शिर्क में डूबने के बाद, बिदते ईजाद करने के बाद छाती ठोक के कहते हो कि हम तो भाई वो जन्नती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह अगर चाह जाए तो आप लोग के सामने फिरौन को जन्नत में डाल दो और आप लोग को जहन्नम में फेंक दे, तो आप लोग क्या कर लोगे अल्लाह का? अल्लाह का आप लोग कुछ कर लोगे माशाल्लाह? तो इसलिए बड़ा बोल बोलना छोड़ दो। अल्लाह को क्या कर सकते हैं? अल्लाह चाहे तो किसी को भी डाल सकता है, लेकिन इसको वो बोल दिया है कि ये जहन्नमी है, तो वो तो जहन्नमी होगा। तो वही तो अल्लाह की भाई, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ याली मिसाल देखिए कि आप फिरौन वाला अमल कर रहे हैं लेकिन खुद को जन्नती कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात, आपका बड़ा बोल अल्लाह को ना पसंद आ जाए और आपका मामला उल्टा हो जाए। आपको आपको खुद पर यकीन है, आपके अपने फिरके पर यकीन नहीं है कि मेरा फिरका ही जन्नती होगा? देखिए, यकीन हमको नहीं है, हम अल्लाह से गुमान करते हैं कि अल्लाह जो भी हम टूटा फूटा अमल कर रहे हैं भाई वो अल्लाह ताला भाई हमारा कबूल कर ले। हम यकीन कतई नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये कहीं नहीं कहा कि सुन्नी बरेलवी 100% जन्नती हैं। तो मैं भाई आपकी तरह यकीन से मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन हम बरेलवी तो यकीन से कहते हैं, दावा नहीं करते, लेकिन ये यकीन है कि हमारा मतलब सही है, कुरान हदीस की रोशनी में है, अल्लाह के रसूल के फर्जबरदारी करते हैं, इसी के बिना पर कहते हैं ना। मतलब अभी आपका इंतकाल भी नहीं हुआ और अपने आप आपको मतलब खुद साख्ता कह दिया कि हम जन्नती हैं? नहीं, इसका दावा तो हम नहीं करते हैं। अल्लाह पाक चाहे तो कोई गुना हमसे हो जाए, कोई ऐसी भूल चूक हो जाए, अल्लाह माफ करे उनसे। तो ये कहिए ना कि अल्लाह हमें मरने के बाद जन्नत में आले साला मकाम अता फरमाए, ये दुआ कीजिए ना। लेकिन आप तो सीधे बिना दुआ के ही हम तो जन्नती हैं और तुम हो जहन्नम के खारजी कुत्ते, तो मेरे भाई ये क्या ये दावा ही तो हो गया? कैसे दावा हो गया? दावा नहीं, यकीन रखना चाहिए अपने फिरके पर, अपने फिरके अपने आमाल पर यकीन रख के अमल करना भाई। होगा फिरका देखिए, अल्लाह अल्लाह के नबी ने जो फरमाया उसके हिसाब से आपका फिरका जो है ना, वो मैं मेरे भाई ना कोई मेरे भाई गुमान कर रहा हूँ, ना मैं कोई यकीन कर रहा हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी की हदीस के हिसाब से आपका फिरका पक्का जहन्नम में जाएगा। पूछिए क्यों? बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जामे तिर्मिजी की हदीस है, हदीस नंबर 171, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक फिरका जाएगा जन्नत में, बाकी मतलब जो बाकी हैं 72 वो जाएंगे जहन्नम की आग में। सहाबा इकराम ने पूछा वो कौन सा कामयाबी वाला होगा, तो फिरकाए नाजिया के बारे में अल्लाह के नबी ने उसका नाम नहीं बताया, उसकी सिफात बताई।
मा आना अलैहि व अस्हाबी अल यौम, आज के दिन, आज के दिन सहाबा के दिन पर होगा, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं, मा आना अलैहि व अस्हाबी अल यौम, आज के दिन मैं और मेरे सहाबा। तो आज आप खुद देख लीजिए, आज के दौर में जो जितनी बिदतें हो रही हैं अच्छी बिदत के नाम से, वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबा इकराम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी सब दीन में होगा। तो उनके अल्लाह के नबी के फरमान के हिसाब से ये आप पक्के तौर पे जहन्नमी है। आप यकीन करते रहिए कि हम हक पे, हम जन्नती हैं और लोगों को मेरे भाई जहन्नमी बनाइए, लेकिन आप अल्लाह के नबी के बकौल आप खुद मेरे भाई जहन्नमी हैं और आप रोजे कौसर से मेरे भाई भगाए जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि जब कुछ लोग आएंगे तो मैं लोगों को पानी पिला रहा हूँ जामे कौसर, तो कुछ लोग आएंगे तो फरिश्ते उनको हकाएंगे, लेकिन मैं उनको पहचानता हूँ तो मैं फरिश्तों से कहूंगा कि इनको आने दो आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपको नहीं पता इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में नई नई चीजें इजाद कर दी। तो अल्लाह के नबी कहेंगे हटाओ इनको मेरे सामने से, हटाओ इनको मेरे सामने से। वो है आज के बरेलवी भी देती, ये होने वाला है, ये आपका फ्यूचर है। तो अल्लाह से पनाह मांगिए, अल्लाह से तौबा कीजिए और नेक सॉले इंसान बनिए। इसाले सवाब करना है तो उतना कीजिए जितना हदीस से साबित है। मनमाना इसाले सवाब करके ऐसा ना हो कि आप मैयत को सवाब पहुंचाने के चक्कर में खुद मेरे भैया भाई वो अपना जिंदा रहते हुए अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।